से था कि इस सेशन में कुछ बच्चे जो हमारे पास डिफरेंट एरिया से क्यूरीज लेकर आते हैं, क्लासेस के अंदर भी बात हो रही थी, फेसबुक पेज पे भी बहुत रश था, बहुत क्राउड था और कॉल्स वगैरह भी बहुत थी, क्योंकि इस वक्त सेंटर्स में या क्लासेस के अंदर ये रूटीन जो है मेंटेन करना मुश्किल थी। तो ये टाइम जो हमने तकरीबन 45 मिनट या वाला हमारे पास इंशाल्लाह है, जिसमें हम आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों की क्यूरीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से गुजारिश ये है कि जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो है वो मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत फॉर्मेटेड हो, लेकिन ऐसे हो कि जिससे दूसरे लोगों को भी फायदा हो और आपके भी जहन में जो चीजें हैं वो भी आसानी से क्लियर हो जाए। तो आप लोग अब क्वेश्चंस कर सकते हैं, चीजें अपनी जो है यहाँ पर कमेंट्स के थ्रू जो है वो हमसे मालूम कर सकते हैं। हुनैन भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह, बिजनेस स्कूल्स के लिए वेब पे आप आंसर करेंगे और इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा गाइडलाइंस दे सकूं। हुनैन भाई मुझे जरा थोड़ा सा ये क्लियर कीजिए कि आईबीए का टेस्ट इस बार जो हो रहा है वो आईबीए का टेस्ट कब है और उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है या अभी वक्त है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी उसकी? नहीं धन भाई, आईबीए ने तो बहुत क्लियरली बता दिया था कि वो सारी सारी सूरत हाल में वो कोशिश यही करेंगे कि टेस्ट हो, और टेस्ट का टाइम बिल्कुल सेट हो चुका है, टेस्ट की डेट सेट हो चुकी है, 5 जुलाई को डेट सेट हो चुकी है और ये टेस्ट तो इंशाल्लाह उन्होंने करना ही करना है। बाकी रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है तो रजिस्ट्रेशन की डेट्स आ गई हैं और उन्होंने यही कहा है कि भाई आप 26 ऑफ जून तक आप चीज़ों को क्लियर करें और आप फॉर्म भर दें। ठीक जी, उन्हें भी यहाँ पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि आईपीए राउंड वन, आईपीए राउंड टू टेस्ट का होना कंफर्म है जो आप बात कर रहे थे, फिर उसी के बारे में कंफर्म तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होता, लेकिन एक बात होती है कि इट्स बेटर टू ट्राई देन बी सॉरी। मतलब अब हम इसी बात में अटके रहे कि टेस्ट होगा नहीं होगा और हम इन्हीं चीजों को लेके सोचते रहे कि पता नहीं क्या होगा, क्या अनसर्टेनिटी है। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें, अगर टेस्ट हो गया फिर क्या करेंगे। तो यस, अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन टेस्ट की तैयारी, टेस्ट के लिए सब कुछ करना आपकी जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटीज के एडमिशन कैसे होंगे? अगर आप जनरल बात करें तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन का जो अभी तक जो चीजें सामने आई है, जैसे आ खान यूनिवर्सिटी ने दिया, एनईडी ने अपना फॉर्मेट बताया, वो ये है कि ऑनलाइन टेस्ट वो इस तरह से ले रहे हैं कि कैंपस में मुख्तलिफ शिफ्ट के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तादाद को उन्होंने डिवाइड करके टेस्ट लेने का पैटर्न बता दिया। जैसे एनईडी के अंदर 10,000 बच्चा टेस्ट लेता था, अब वो 10,000 बच्चा एक दिन में टेस्ट नहीं देगा बल्कि 10 दिन के अंदर उन्होंने उसको डिवाइड किया और एक दिन में 5 शिफ्ट होंगी और उस तरीके से फिर वो कैंपस के अंदर ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। जाना होगा, कैंपस विजिट करना होगा आपको, वहां जाकर ही टेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट ऑनलाइन होगा आपका। और वो जो क्राउड होता था, 10,000 बच्चे एक साथ बैठते थे, वो माहौल नहीं होगा। अब लैब्स के अंदर उनकी 50-50, 40-40 बच्चे होंगे जो कि टेस्ट देंगे। तो यूनिवर्सिटीज तकरीबन इसी तरीके से अब आगे टेस्ट लेने जा रही है। ईकैट का एडमिशन के मुताबिक मुस्तफा खालिद खान कहते हैं ईकैट एडमिशन के मुताबिक गाइड कर दें। ईकैट के एडमिशन की अगर मैं जनरल बात करूं तो जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की। जैसे आपके पास एनईडी है, फिर आपके पास फास्ट है, फिर आपके पास अगर आप फेडरल यूनिवर्सिटीज में आ जाए तो आईएससी है, प्याज है, नस्ट है। तो जून के मंथ से ही ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। आप हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करते रहिएगा, इंशाल्लाह जो भी डेट फाइनल होती है वो हमारे पेज पर होती है, उससे आपको गाइडलाइंस इंशाल्लाह मिलेगी कि टेस्ट कब हो रहा है। तो एप्लीकेशन जो है ना वो जून से स्टार्ट हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट है वो ज्यादातर जुलाई में बताई जा रही है। अच्छा खासे कमेंट्स हैं तो अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, अहमद ने पूछा है अपनी पॉलिसी, आईएसटी ने अपनी पॉलिसी अपडेट क्या दिया? जी आईएसटी क्योंकि एनटीएस की बेस पे होता था, तो इस दफा क्योंकि अब जो बच्चे एनटीएस दे चुके हैं उनके लिए तो आसानी है, वो अपना एनटीएस का स्कोर वहां सबमिट कर देंगे, लेकिन जिनका एनटीएस नहीं है तो उसके लिए उन्होंने अपना परसेंटेज क्राइटेरिया बता दिया कि अब परसेंटेज क्राइटेरिया होगा 40% आपके पास एकेडमी होगी, जैसे जिसके अंदर 25% आपका इंटर होगा, 15% मैट्रिक होगा और 60% जो है वो टेस्ट होगा। तो अब जो टेस्ट था वो भी उन्होंने किस में कर दिया, टेस्ट को भी उन्होंने एकेडमी के साथ ही मर्ज कर दिया, यानी 40% मैट्रिक और 60% इंटर।
जो भी आपका एग्रीगेट बनेगा 40% मैट्रिक और 60% इंटर के साथ, उससे मेरिट आपका बनेगा आईएसटी के लिए। अच्छा, कमेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है और बहुत तेजी से आ गई है, तो मैं इसको जरा साथ साथ देखते रहेगा, मुझे बताते रहे। बस मैं देख रहा हूँ उसको। अदनान भाई थोड़े ईकैट के सवाल है तो आप देखें अभी। जी सर, एनईडी में कैलकुलेटर नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल कैलकुलेटर होगा। कैलकुलेटर वहाँ सिंपल साइंटिफिक होता है, मतलब सिंपल भी नहीं होता और वो डिजिटल डायरी भी नहीं होती है, तो उसका जो नंबर है वो 70x आप ले सकते हैं। सिंपल सा कैलकुलेटर होता है साइंटिफिक, जिसमें मतलब आप डिजिटल डायरी के तौर पर जो यूज ना कर सके सिंपल कैलकुलेटर वो यूज कर सकते हैं आप। व्यास ने भी 8 जून से रजिस्ट्रेशन खोलने का अनाउंस किया है। जी बिल्कुल, 8 जून से उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। व्यास ने जो टेस्ट की डेट दी है वो 2 जुलाई दी है, तो अब देखते हैं ये 2 जुलाई को ही होगा या फिर वो जो 15 जुलाई के बाद की बात है उस वक्त होगा। फिलहाल अभी उनकी अपडेटेड यही है कि 2 जुलाई को टेस्ट होगा व्यास का। आईबीए का टेस्ट एमबीए की तरह कैंसिल तो नहीं कर देंगे? अच्छा, आईबीए एमबीए का टेस्ट जो था ना, आईबीए अपनी डेट के मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, तो आईबीए ने कहा था कि वो 7th ऑफ जून को टेस्ट लेगा, तो उसने अपनी चीजें अकॉर्डिंगली सेट करी है। अब वही वाली बात है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन तैयारी ना करना, चीजों को छोड़ देना, ये ऑब्वियसली अजीब सी चीज है। तो टेस्ट कैंसिल होगा नहीं होगा ये सब बाकी बात है, लेकिन जैसे अगर मैं ज़ाबेस की बात करूँ तो ज़ाबेस ने कहा है कि ऑनलाइन एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट लेगा वो, तो आईबीए ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ज़ाबेस ने बोला टेस्ट तो होगा। तो इसी तरह आईबीए भी ऐसी कोई चीज निकाल सकता है। जिस तरह अदनान ने बात करी कि एनईडी ने सोचा है कि वो पोर्शंस बनाएगा और छोटे छोटे हिस्सों में बच्चों के टेस्ट देगा, तो जब 12,000 से 13,000 लोगों के टेस्ट हो सकते हैं तो आईबीए में तो फिर भी 3,000-4,000 लोग होते हैं। तो यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन ये है कि होप फॉर द बेस्ट। जीआईके का टेस्ट ऑनलाइन होगा? जी बिल्कुल पॉसिबल है, जीआईके का टेस्ट ऑनलाइन हो सकता है। और एक क्वेश्चन ये था कि एनटीएस जो यूनिवर्सिटीज कंसीडर करती थी वो क्या होगा, तो वो मेरिट बेस्ड जाएगी, जिस तरह आईएसटी ने मेरिट बेस कर दिया, यानी आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज और मैट्रिक की परसेंटेज को सामने रखते हुए मेरिट लिस्ट होगी और उसके मुताबिक ही एडमिशन होगा। तो जहां जहां एनटीएस कंसीडर होता था, अब एनटीएस की जगह वहां मेरिट कंसीडर होगा, जो आपका फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का और मैट्रिक का होगा। सर, आईबी का टेस्ट एमबीए की तरह ही है, सॉफ्टवेयर इन फास्ट यूनिवर्सिटी विल बी, ये ले ले। MUD का फॉर्मेट क्या है? मेहरान यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है वो तकरीबन एनडी की तरह होता है, उसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से होते हैं, जो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स होता है, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश होते हैं। गुलाम साह खान का क्या प्रोसीजर है? गुलाम साह खान का वही जिस तरह अभी बात की हमने, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, टेस्ट जैसा होता था फॉर्मेट उसका चेंज नहीं होगा और टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगा। और ये जिस तरह पहले रीजेंट प्लाजा में या किसी होटल में वो अरेंज करते थे, तो इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन वो वहां पर जाकर आपको जिस तरह एनईडी में जाकर टेस्ट देना है, इसी तरह गुलाम साह खान में भी मतलब वहां की जो प्रीमिसेस है वहां जाकर आपको टेस्ट देना होगा। डबल ई का एडमिशन क्राइटेरिया पहले, एमकैट के बहुत सवाल है, एमकैट का होगा? ठीक है, एमकैट का होगा। एमकैट में देखे तीन में मेजर बात कर लेता हूँ। एक एकीयू है जिसने अपना 6 सितंबर को टेस्ट रखा है, दूसरा आपका आता है नम्स, नम्स का टेस्ट 1 सितंबर को है, और तीसरा आता है एनटीएस जो डाओ, जेएसएनयू, केएमबीसी और लियानी मेडिकल, यानी सिंध की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज है उनका टेस्ट। तो अगर हम इस हवाले से देखें तो अभी तक कोई डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा यह है कि अक्टूबर नवंबर में ये टेस्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ा जेनरिक क्वेश्चन है कि सवाल सॉल्व करने की क्या स्पीड होनी चाहिए, तो ये तो बहुत जेनरिक सी बात है, लेकिन अगर मैं बीकैट रिलेटेड बात करूं तो भाई आसान चीज वो होती है जो हमें आती है, और सबसे पहले हमेशा वही करना चाहिए जो हमें आता है। तो व्हेन यू गो फ्रॉम कि जो जो चीजें आपको आती हैं और फिर आप डाउन द लाइन आप जाते हैं, तो आपका मोराल भी बूस्ट होता है, एप्टीट्यूड की वन ऑफ द ट्रिक्स है। बाकी अदनान भाई आप बताएं केमिस्ट्री में क्या? बिल्कुल ऐसे ही है, पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पेपर पूरा पढ़ लें, ऐसा ना हो कि पेपर के बाद आपको पछतावा हो कि आपका कोई सेक्शन जो है मिस हो गया, क्योंकि जहां टाइम की लिमिट होती है, जैसे आईबीए में इंग्लिश की अलग है और मैथ्स की अलग है, वो तो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज होगी, लेकिन जहां पूरा पेपर आपके हाथ में होता है और आपके आपके पास चॉइसेस होती है कि आप कहां से स्टार्ट करें, तो वहां कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका पूरा पेपर हो जाए।
कोई चीज बाकी ना रहे। तो इसलिए जो आसान चीज है वो पहले कर ले और जो मुश्किल है वो बाद में कर ले। इसकी प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी है पेपर करने की वो हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं। इस वक्त डिस्कस करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि हम उसको पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करें कि पेपर करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है। अच्छा अदनानी, एक सवाल है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे हो रही है? तो यस, ऑनलाइन क्लासेस का ये है कि कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग लाइव। हमारा जो मेजर मीडियम है वो जूम है। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर एवेन्यूज, लेकिन यस, जूम के थ्रू लाइव क्लासेस हो रही हैं। हमारे पास पूरा सेटअप है, डॉक्यूमेंट कैमराज है, अल्हम्दुलिल्लाह आईबीए के 3 बैचेस बन चुके हैं, चौथा अपने रास्ते में है, ईकैट के 4th बैच अपने रास्ते में है, इसी तरह एमकैट का 3rd बैच अपने रास्ते में है। तो चीजें तो अपने रास्ते में है और ऑब्वियसली चीजें रुक नहीं रही है, क्योंकि हम इस अनसर्टिनिटी पे हम पीछे होल्ड बैक नहीं कर सकते। अगर हम होल्ड बैक करेंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे। तो इट्स बेटर टू मूव ऑन विद द फ्लो, गो ऑन विद द फ्लो रादर देन अज्यूमिंग थिंग्स। एमकेट का क्राइटेरिया पूछा किसी ने कि एमकेट जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी इस साल के लिए डिफाइन हो चुकी है, लास्ट ईयर 70% था, तो इस दफा कम करके उसको 60% पर वापस लेकर आ रहा है। टेस्ट पैटर्न वही है, तमाम चीजें वैसे ही है, क्राइटेरिया कम हो गया है, 60% वाला भी बच्चा अब इस दफा टेस्ट में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब ये मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैंने बताया, इसका मतलब है तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटी में यही क्राइटेरिया होगा। तो अब अलहदा अलहदा आप लोग इसको नहीं देखिएगा। IOBM वाला सवाल ले लो तभी। जी बिल्कुल, IOBM जिसको हम CBM कहते हैं, उन्होंने काफी मतलब बोल्ड सी बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि भाई टेस्ट तो होगा, और अगर अल्लाह ना करे टेस्ट नहीं हुआ तो वो ऑनलाइन टेस्ट की तरफ नहीं जा रहे। उन्होंने 2-3 मिनट की वीडियो, मतलब वो आपको कोई भी टॉपिक देंगे जिस पे उन्होंने बात नहीं करी है। अच्छा, ये बात MBA पे भी है, ये बात MS पे भी है, ये बात BS पे भी है और BBA पे भी है। तो जितने बैचलर्स और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं दोनों पे है कि वो आपको 2-3 मिनट का टाइम देंगे, आपको एक टॉपिक देंगे और आपने उसके ऊपर फिर अपनी वीडियो बना के भेजनी है। अब क्या क्राइटेरिया होगा वो बात की बात है। अच्छा, NUST के हवाले से बात हो रही है कि NUST ND3 कब होगा। तो NUST ND3 की अभी भी जो उनके उनकी वेबसाइट पे डेट्स मौजूद है वो 12 जुलाई और 14 जुलाई ही है। अगर वो चेंज होती है, क्योंकि अभी अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा ना कि कहां तक हम जा रहे हैं और कब तक ऑफ रहेंगी चीजें, तो अगर वो चेंज होती है तो 15 जुलाई के बाद होगा। और वहां पर भी यही सिचुएशन होगी कि हमारे यहाँ PNEC पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर लैब मौजूद है, तो आप वैसे ही जाके वहां पर भी इंशाल्लाह टेस्ट देंगे और ऑनलाइन टेस्ट आपका वहां पर भी होगा। NET2 हो चुका है, NET2 इस दफा इस्लामाबाद और क्वेटा में कंडक्ट हुआ, कराची में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। तो अब NET2 खत्म हो गया, अब NET2 का कोई यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, अब NET3 ही होगा और वो इंशाल्लाह 12 और 14 जुलाई को होगा। IIIE का एडमिशन क्राइटेरिया इंशाल्लाह NET के बाद जो टेस्ट होगा कराची के अंदर वो IIIE का टेस्ट है, और IIIE अपना टेस्ट भी लेती है और IIIE NET के टेस्ट की बुनियाद पर भी एडमिशन देती है। तो देखते हैं कि IIIE इस दफा सिर्फ NET को ही कंसीडर कर लेता है या अपना टेस्ट भी प्लान करता है। तो दोनों सूरत हाल में आपका एडमिशन वहां पर हो सकता है। इक्विलेंसी क्या 3 साल की होगी? किस चीज की इक्विलेंसी? क्लियर नहीं हुआ सर। जो एमकेट रिपीट कर रहे हैं उनका क्या पॉलिसी है? एमकेट रिपीटर्स क्या वही सेम क्राइटेरिया जिस तरह लास्ट ईयर था? 10 नंबर जो है उनके कम होते हैं, 10 मार्क्स उनके कम हो जाएंगे और उसके बाद मेरिट लिस्ट कहेगी। टेस्ट आपने भी देना होगा। ठीक है, अच्छा मैं नोट कर रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल जो है वो मोनोटोनस हो, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो है ये इंशाल्लाह ये मैं बता देता हूँ, तो ये इंशाल्लाह हम अपने पेज में डाल देंगे। तो अगर आप दोबारा गो थ्रू करेंगे ना उसको, तो आपको बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ज़ैबिस ने कहा है कि ज़ैबिस का टेस्ट होगा ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। वो ऑनलाइन का जो होगा, या तो वो मतलब वो फ्रॉम होम भी हो सकता है या उसका कोई और भी क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन 40% टेस्ट, 40% इंटरव्यू एंड 20% डिपेंडिंग ऑन योर प्रीवियस ग्रेड्स, ओ लेवल जो मैट्रिक में क्या परसेंटेज थी, AS में क्या ग्रेड्स थे। तो यस, ये इसकी समरी है। अच्छा, एक और बात ये है इसमें इम्पोर्टेंट के पिछले सालों में क्या होता था कि मई जून में जो हम IBA के ए लेवल्स के पेपर देते थे उसकी बेसिस पे हमारे एडमिशन होते थे, लेकिन अब IBA, CBM, ज़ैबिस तीनों टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज ने क्लियरली बोला है कि वो हमें अक्टूबर नवंबर वाला सेशन जो आएगा उसमें भी मौका देंगे, वो हमें टेंटेटिव प्रोविजनल एडमिशन देंगे और उसकी बेसिस पे फिर हम जो हमारा रिजल्ट जनवरी में आएगा तब तक हम अपना सेमेस्टर स्टार्ट कर सकते हैं और हम अपनी चीजों को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं।
अच्छा आईएसटी और कॉमसेट का परसेंटेज क्राइटेरिया पूछ रहा था एक स्टूडेंट के, उसका परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है। तो आईएसटी और कॉमसेट अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो 60% और अगर आप बीएससीएस के लिए अप्लाई करेंगे तो 55%। ठीक है, एमकैट में मैट्रिक परसेंटेज बिल्कुल अभी इस बार एमकैट में मैट्रिक परसेंटेज नहीं कंसीडर की गई थी। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो अभी डिफाइन नहीं की उन्होंने कि मैट्रिक की परसेंटेज जैसे 10% पहले लेते थे और 40% इंटर लेते थे, तो वो जब क्लियर होगी तो इंशाल्लाह आपके सामने हम रखेंगे पैटर्न के साथ। तो अभी उन्होंने जो पॉलिसी दी है पीएमडीसी ने वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया, उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोबारा से 60% पर आ गया। अच्छा नंद, एक बड़ा मजे का सवाल है, एक महीने में तैयारी हो जाएगी? अब ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने क्लासेस ले ली हैं और यू आर गुड टू गो, तो ऐसा तो लाइव क्लासेस में भी नहीं था। तो ये एक वन वे जर्नी नहीं होती, एक टू वे जर्नी होती है। आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, आपने घर में एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, आपने रेफरेंस बुक से पढ़ना है, आपने बेसिकली सिर्फ पढ़ना है। तो यस, एक महीना इज मोर देन इनफ, मतलब आप कोर्स खत्म करके पास पेपर्स करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने सिर्फ क्लासेस लेनी है, तो फिर तो बहुत ही मतलब इसमें कोई जवाब ही नहीं है, ये वन वे जर्नी नहीं होती। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे ने पूछा, नाम मैं भूल गया उसका, कि अक्टूबर नवंबर के जो ईयर्स के स्टूडेंट्स होंगे क्या नस्ट उनको एंटरटेन करेगा? तो देखिए, अगर टेस्ट जुलाई में हो जाता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल सी बात हो गई। अगर टेस्ट जुलाई में हो जाता है, सितंबर में उनका सेशन स्टार्ट होता है, सेमेस्टर स्टार्ट होता है, आप अक्टूबर नवंबर में पेपर देखिए, जनवरी में अपना रिजल्ट जो है वो होल्ड करते हैं, तो ये मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं हो सकती, अक्टूबर नवंबर वाले इंटरटेन नहीं हो सकते अगर जुलाई में और सितंबर में उनका सेशन स्टार्ट हो जाता है तो। अच्छा, तानिश ने पूछा है कि एनटीएचपी, यस एनटीएचपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आईबीए जाने वालों के लिए, तो अभी एनटीएचपी पे कोई आईबीए की पॉलिसी नहीं आई है, मतलब आईबीए ने अभी इसको छोड़ा हुआ है, एंड डेफिनेटली सून एनटीएचपी पे जरूर बात होगी, तो लेट्स वेट फॉर द बेस्ट। एनईडी में जनरल नॉलेज और आईक्यू नहीं होता, एनईडी में जनरल नॉलेज और आईक्यू का सेशन सेक्शन नहीं होता, एनईडी में सिंपल मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश। इक्विवेलेंसी ग्रेड्स, इक्विवेलेंसी ग्रेड्स पे एडमिशन हो जाएगा या इक्विवेलेंसी बनानी पड़ेगी? इक्विवेलेंसी बनानी पड़ेगी आपको, अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो इक्विवेलेंसी चाहिए, उसके बाद ही मेरिट का एग्रीगेट बनेगा। और अब तो सीनियर जर्नलिस्ट और आईबी भी बोलते हैं कि इक्विवेलेंसी चाहिए उनको देर सवेर, तो इट्स बेटर आप इक्विवेलेंसी की तरफ काम शुरू कर दें अपना। जी माहिम, बिल्कुल एनईडी का टेस्ट ऑनलाइन होगा लेकिन कैंपस में जाना होगा, पैटर्न चेंज हो गया, नो नस का कोई पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ। एनईडी 3 के लिए एनईडी 2 वाले बच्चों को फिर से बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी आपको, जब एनईडी 1 देना होता है, 2 देना होता है, 3 देना होता है, तो तीनों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करानी होती है। इस मंथ इनफ ये तो वही क्वेश्चन था, आपने जवाब दे दिया इसका। सर एनईडी के एडमिशन फॉर्म इशू कब होंगे? 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह इनकी सेशन। फास्ट हैज डिफरेंट कैंपस इन, कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बेटर है? हाँ, अगर हम बात करते हैं फास्ट के कैंपसेस के हवाले से, तो इस्लामाबाद बेहतर कैंपस है, इस्लामाबाद के लाहौर फिर कराची है, तो हम लोग आसानी के तौर पर तो ये कहते हैं भाई कराची में एडमिशन ले लो, आने जाना आसान हो जाएगा, घर से पढ़ लेगी आप, लेकिन बेस्ट तो फिर वो इस्लामाबाद की। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात हो रही है जो कि ऑब्वियसली आईबीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की एक वीडियो हमारे काउंसलर्स ने अपने हमारे पेज पे डाली भी है, तो वो वीडियो आप जरूर उसको देख लें, और वो इंशाल्लाह कंप्लीट समरी है, 20-22 मिनट की वीडियो है, तो इंशाल्लाह वो बेहतरीन एक अच्छी वीडियो है, तो उसको जरूर देख लें। हाउ विल द ऑनलाइन पेपर बी टेकन, देयर मे बी चीटिंग। अच्छा, अब शेरोज, ऑब्वियसली शेख शेरोज, हमारे दिमाग में भी ये चीज है कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये है कि अगर यूनिवर्सिटी कुछ कर रही है तो वो कुछ सोच के ही करेगी, मतलब आप, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आईबी हमें बोलेगी घर से बैठ के टेस्ट दे दो, मतलब कुछ तो प्रोटोकॉल्स होंगे और वो उन्हीं पे काम कर रही है अभी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, तो ऐसे ऐसे वो मेरिट के बगैर एडमिशन नहीं छोड़ेगी। अच्छा, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस क्योंकि बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो वो हम नोट भी करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी वीडियो के थ्रू जो है वो हम आपके आंसर्स बाद में भी दे सकेंगे, हम आपको इसकी वीडियो अपलोड करेंगे और इसके आंसर्स जो है वो इंशाल्लाह हम आपको वीडियो के थ्रू भी बताएंगे। अभी जितने क्वेश्चंस हम एंटरटेन कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। डीएचएस सुपर के बारे में पूछ रहे हैं कि पूछा कुछ नहीं है, डीएचएस सुपर उस्मान में अगर आप डिफरेंस पूछे उससे, तो एक डिफरेंस ये है कि उस्मान में एनईडी की आपको डिग्री मिलेगी क्योंकि उस्मान एफिलिएटेड विद एनईडी है, तो एक ये फर्क आपको मिलेगा, बाकी एकेडमी दोनों बेहतर है, सख्ती से पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि वहां पर तफरी वाला माहौल कम दिखाई है, कम सुनने में आया।
नस्ट में एडमिशन यूपीआईडी का टेस्ट में कंप्यूटर का सेक्शन आता है, यूपीआईडी के टेस्ट में कंप्यूटर सेक्शन आता है, बिल्कुल आता है, उसकी हम प्रिपरेशन भी कराते हैं थ्रू हैंडआउट कराते हैं थ्रू असाइनमेंट कराते हैं। प्यास का टेस्ट कब होगा? 2 जुलाई को, अभी तक 2 जुलाई, 2 जुलाई फाइनल है, अगर कोई अपडेट होती है तो इंशाल्लाह हम अपने पेज पर जरूर आपको अपडेट करेंगे। कुछ एमबीए के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या क्या होगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की क्या वेटेज होगी? तो भाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की वेटेज, जॉब एक्सपीरियंस की वेटेज, अपने पास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड की वेटेज, कोई भी चीज डिफाइंड नहीं है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव छोड़ा हुआ आईबीए ने, और आईबीए यही वेट कर रहा है कि 2 जुलाई तक सब अपने फॉर्म्स भरें और वो एक कंप्लीट पिक्चर निकाले इसकी, क्योंकि उनके लिए ऑब्वियसली थोड़ा हेक्टिक है, दिस विल टेक टाइम, लेकिन वो सून कुछ ना कुछ अच्छे कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। कराची एसटी के जो एडमिशन टेस्ट हैं वो नॉर्मली अक्टूबर नवंबर में होते हैं, तो इस दफा भी ऐसे ही इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में कराची एसटी के टेस्ट हो जाएंगे। एक बच्चे का सवाल था, वो आगे निकल गया, नाम मैं नहीं पढ़ पाया उसका, एडवांस मैथ से क्या मुराद है? जैसे फास्ट के अंदर एडवांस मैथ और जनरल मैथ दोनों आता है, तो एडवांस मैथ जो आपकी सेकंड ईयर की और फर्स्ट ईयर की जो प्री इंजीनियरिंग की मैथ्स है वो दरअसल एडवांस मैथ से ही कंसीडर की जाती है, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग से किया फर्स्ट सेकंड ईयर तो आपके लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो 60% लाजमी चाहिए, अगर ये कम हो गया तो आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, आप इवन मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते। बीबीए या बीएस का क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिहाज से वो मुख्तलिफ होता है, जैसे बीएस सीएस जो है 50% पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज कराती है, 55% पे भी कराती है और 60% पे भी कराती है, तो आप अगर यूनिवर्सिटी को मेंशन कर देंगे तो मैं आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर पाऊंगा। एनईडी की फील्ड एलिजिबिलिटी क्या है? ये मेरिट होता है, ओपन मेरिट होता है, जब आप टेस्ट देंगे और आपका जो एग्रीगेट बनेगा, इस साल 50% इंटर है, 50% आपका टेस्ट है, तो दोनों को कंबाइन करके जो मेरिट होगा उसके बाद एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो आपके मेरिट के मुताबिक वो ख्वाहिश देखी जाती है, अगर वो पूरी हो रही होती है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, आईबीए सीएस का एंट्री टेस्ट कब होगा? तो लास्ट संडे ऑफ जुलाई, व्हिच इज आई थिंक 26th of July को डिसाइडेड है कि आईबीए सीएस का टेस्ट होगा, और क्योंकि अभी जुलाई एंड में बहुत टाइम है तो उन्होंने उस पर वो साइलेंट है, अभी उनका जो मेन फोकस है वो एमबीए जो कि 7th of June को था और बीबीए जो कि 5th of July को है, तो उस पर सारा फोकस है। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में डेट पूछ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे होगा। देखिए प्यास का टेस्ट अभी तक 2 जुलाई ही है, अगर ये आगे जाता है तो उनकी तरफ से कोई वेबसाइट पे अपडेट आ जाती है, इंशाल्लाह हम भी आपको अपडेट कर देंगे उसमें। अभी तक 2 जुलाई है, जून में इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, तो आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करा सकते हैं। ये वो फेसबुक वाली मसला है जी, बंद हो गया, बंद हो गया तो इसलिए नम्स का टेस्ट 1 सितंबर को अनाउंस है, इंशाल्लाह 1 सितंबर को पहला टेस्ट है, ये 2 सीरीज में टेस्ट लेते हैं, तो 1 1 सितंबर को है और एक्सपेक्टेड ये कि 2 15 सितंबर, 2 हफ्ते के बाद सेकंड हो, ठीक है, तो ये आर्मी मेडिकल कॉलेज हो या फिर नर्व से एफिलिएटेड जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हो। एक चीज मैं इसमें इजाफा कर दूं कि कराची में एक किम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो कि मलीर कैंट में है, वहां पर भी बच्चे नम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, नम्स का टेस्ट देंगे तो किम्स में भी वो एडमिशन लेने के अहल होंगे। अच्छा, इबाद खुर्रम का सवाल है, तो वो चले वो सवाल निकल गया है, लेकिन इबाद खुर्रम ने काफी सवाल पूछे तो इंशाल्लाह मैं उनको दोबारा जवाब दे दूंगा। और इसके अलावा व्हाट डू वी हैव, नहीं सवाल आ रहे हैं हमारे पास, आईबीए आईबीए का दोनों कैंपस ही है, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि आईबीए ने सिटी कैंपस से अपने सारे बैचलर प्रोग्राम्स खत्म कर दिए और मेन कैंपस जो होगा वो प्रिसाइसली मास्टर्स और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होगा। इस केस बी एल बेटर देन सीबीएम फॉर एमबीए, वेरी सब्जेक्टिव, सीबीएम को अच्छा खासा टाइम हो गया है, केस बी एल की फैकल्टी बहुत अच्छी है, एक्सेप्शनल फैकल्टी है, वो रिसर्च पे जितना काम कर रहे हैं वो एमबीए जो होता है ना, एमबीए एमबीए इज ऑल अबाउट केस स्टडीज,
और इस वक्त केजीपीएल से ज्यादा केस स्टडीज पे कोई काम नहीं कर रहा, और ये मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, मतलब ये मैंने लोगों के मुंह से सुना है। डिसाइडेड नहीं है, फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अंदाजा यही है कि अक्टूबर नवंबर में होगा। यस, लम्स जाने के लिए सैट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, वही हल है। इनफैक्ट अगर आप इंजीनियरिंग भी करनी है आपने लम्स से, तो भी आपके पास सैट वन होना जरूरी है, उसके बाद फिर लम्स का अपना टेस्ट होता है जो कि एडिशनल होता है, फिर वहां जाना होता है, फिर वो देना होता है। नहीं सर, वेली बहुत मुश्किल से राउंड वन पास हुआ है और लोगों का, तो वो राउंड वन कैंसिल नहीं होगा। एनटीएस अरीब, एनटीएस जो है वो इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में होगा। इस साल जो एक्सपेक्टेड डेट है एनटीएस की, वो अक्टूबर नवंबर है। सैट वन की बहुत सारी डेट्स आ चुकी हैं। कॉलेज बोर्ड ने सारी कॉम्पनसेशन कर दी, एक साथ सब कुछ निकाल दिया। लास्ट सैटरडे, अच्छा क्योंकि हमारे यहाँ पर सैटरडे होता है, अमेरिका में संडे को होता है। लास्ट सैटरडे ऑफ अगस्त पहला सैट, लास्ट सैटरडे ऑफ सितंबर दूसरा सैट, फर्स्ट सैटरडे ऑफ अक्टूबर तीसरा सैट, इसी तरह फर्स्ट सैटरडे ऑफ दिसंबर। तो इत्तेफाक की बात है, पहली दफा अगस्त, बहुत टाइम बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, तो ये चार सैट होंगे। लेकिन इस साल वालों के लिए सैट मोस्ट प्रोबेबली जितना देखा जा रहा है किसी काम के नहीं होंगे, ये सब अगले साल वालों के लिए और उनके लिए एडेड एडवांटेज है। केयू और सब्सिडी का क्राइटेरिया, आप पूछ रहे हैं केयू का क्राइटेरिया मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए मुख्तलिफ है, ठीक है। जैसे केयू बीएस सीएस होता है वो एक डिफरेंट टेस्ट होता है, उसका डिफरेंट मेरिट क्राइटेरिया है। इसी तरह और भी जो डिपार्टमेंट्स है उनके, वो मुख्तलिफ क्राइटेरिया के ऊपर एडमिशन दे रहे होते हैं। सब्सिडी के अंदर टेस्ट होता है बिल्कुल, और ये टेस्ट अक्टूबर के मिड में होता है, तो इस साल भी ऐसे ही अक्टूबर तक ये टेस्ट होगा। जो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के लिए। जैसे कि अगर आप सिंध में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो टॉप नॉच जो यूनिवर्सिटीज आती है वो एलईडी होता है, फिर दाऊद यूनिवर्सिटी है, फास यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें मेरिट की बेसिस पर एडमिशन होते हैं, तो इनके लिए टेस्ट होता है, टेस्ट के साथ जो आपका इंटर या इलेवंथ होता है उसके एग्रीगेट बनता है। इसी तरह पाकिस्तान में बात करें तो नस्ट है, फिर उसके बाद कॉमसेट है, आईएसटी है, प्याज है, इन तमाम में टेस्ट और इंटर यानी एकेडमी आपका जो है उनका एग्रीगेट बनता है, उसके लिहाज से मेरिट पर एडमिशन होते हैं। फिर एक कैटेगरी आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, जिसमें आपके पास उस्मान है, सर सैयद है, डी एच एस उफा है, इकरा है, हबीब है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि आपको प्राइवेटली इंजीनियरिंग कराती है, तो वहां पर भी टेस्ट होते हैं और क्राइटेरिया मेरिट बेस्ड भी होता है और आसान होता है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जो एलईडी में एडमिशन लेना है या फास्ट में या दाऊद में, वो मुश्किल होता है, और बाकी जो प्राइवेट इदारे हैं उनमें एडमिशन लेना आसान होता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, जो लोग अगले साल टेस्ट दे रहे हैं उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो लोगों ने पूछा आईबीए राउंड वन कब होगा, तो आईबीए राउंड वन अगले साल का जैसे हर साल फरवरी के मिड में ही होता है, तो I expected to be on the second Sunday of February. Expected. This can vary, लेकिन हर साल की तरह second Sunday of February. मोहम्मद अरशद कहते हैं कि aerospace define कर दे। मोहम्मद अरशद, aerospace जो है, अगर मैं इसकी admissions की बात करूं कि कौन सी universities कराती है, तो हमारे यहाँ कराची में एक PF KEED है, और इसके बाद अगर हम ओवरऑल देखेंगे पूरे पाकिस्तान में बेस्ट इदारा कौन है जो कि aerospace करा रहा है, तो वो IST है, Institute of Space Technology. ठीक है। इसी तरह एरोनॉटिकल के लिए भी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, उसकी भी मैं बताता हूँ कि उसमें एक आपके पास कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है जो नस से एफिलिएटेड है रिसालपुर में, और एक पीएफ कीट है कराची के अंदर जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कराती है। तो जो बच्चे एरोनॉटिकल के लिए इंटरेस्टेड है, तो बिल्कुल वो इन इदारों में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मीडिया साइंसेज के लिए इकरा और जाबेस्ट, अब ये ऑब्वियसली सब्जेक्टिव चीजें होती है, कौन बेहतर है कौन नहीं है, लेकिन जिसकी एलुमनाय ज्यादा है, जिसने ज्यादा वक्त गुजार लिया है, तो पॉलिसी क्या होगी रिपीटर्स के लिए? देखो, ये होता है कि 10 नंबर उनके डिडक्ट होते हैं और मेरिट लिस्ट जब बनती है तो वही पॉलिसी रहेगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी परसेंटेज लास्ट ईयर की वही परसेंटेज, उसके साथ टेस्ट का स्कोर एग्रीगेट बनेगा, 10 मार्क्स डिडक्ट होंगे, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा।
सॉफ्टवेयर की एलईडी में रिक्वायर्ड क्या परसेंटेज है। देखिए सॉफ्टवेयर ना तीन तरह से एलईडी में, एक सीएस है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और एक आईटी है, बीएससी आईटी। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो लास्ट फोर ईयर आपके जो है वो 85 प्लस क्लोजिंग परसेंटेज थी इंटर के अंदर। इस साल बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया, इस साल बिल्कुल डिफरेंट कुछ होने वाला है क्योंकि एनईटी टेस्ट को इतना वेटेज नहीं देता था पिछले सालों में जो इस साल दे रहा है, 50% टेस्ट और 50% इंटर। तो ये तो बिल्कुल ही गेम डिफरेंट हो जाएगा। जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी ना तो उसके अंदर टेस्ट का वेटेज बढ़ने से अब ये जो 85% वाली बात थी वो थोड़ा सा हिलेगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। सीएस के लिए क्या बात, सीएस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फर्क होता है? देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जब हम बात करते हैं तो प्योर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं और सीएस के अंदर हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के ले रहते हैं। आप लोगों के लिए एक मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। जब भी आप सीएस और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस करने जाए और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाए तो आप किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी का जो कि रिलायबल यूनिवर्सिटी हो उनका प्रोस्पेक्टस लेके इनके कोर्सेज देखें, आपको बहुत आसानी से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि सीएस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फर्क क्या होता है। वैसे तो कहने को सिर्फ यही होता है कि एक प्रोग्रामिंग है प्योर प्रोग्रामिंग है और एक जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कंबाइन करके पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको क्लैरिटी उस वक्त होगी जब आप इनके कोर्सेज को देखेंगे। तो एटलीस्ट आपको कोर्सेज जरूर देख लेने चाहिए ताकि आपका इंटरेस्ट के साथ आप आगे बढ़े। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? अगर कराची की बात करें तो एनईडी बेस्ट है और अगर आप पाकिस्तान में आ जाए तो नस्ट इस्लामाबाद में भी सिविल इंजीनियरिंग अच्छी होती है और यूईटी में भी अच्छी होती है। व्हिच यूनि इज बेस्ट फॉर एमबीए आफ्टर आईबी और सीबीएम? ज़ाबिस्ट और सीबीएम में मैं ज्यादा फर्क नहीं करता। दे अब वही वाली बात है, हमारा ओपिनियन है, दिस कैन वेरी, लेकिन मेरे लिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों के अपने प्रोज हैं और दोनों की अपनी एलुमनाई है, तो अपनी फैकल्टी है, तो यस आई एम वेरी न्यूट्रल इन दिस। लेकिन ये है कि सीबीएम एक बड़ा कैंपस है तो इस पे थोड़ा सा शायद मैं सीबीएम को थोड़ा सा एज दे दूं, वरना ऑल इन ऑल बोथ आर सेम। पीएमडीसी के रूल्स चेंज, पीएमडीसी के जो रूल्स चेंज हुए उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेजर चेंज था, जो मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट टाइम जो 70% हुआ था इस दफा वो दोबारा से 60% हो गया है। अच्छा मैं थोड़ी क्लास की बात कर लूं, वी आर हैविंग बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले, हमारी आईबी की क्लासेस भी ऑन है, सैट की भी ऑन है, एमकैट की भी ऑन है, ईकैट की भी ऑन है। तो 1st of June को हमारे सारे बैचेस अगेन न्यू बैचेस रिज्यूम होंगे, तो ये अगर आप हमारे जो इनबॉक्स उस पर भी मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह काउंसलर्स आपको बहुत अच्छे से करेंगे। फास्ट यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया पूछ रहे थे जोया ने, फास्ट यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया पूछा है, तो अगर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 60% आपका इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में होना चाहिए या फिर लेवल्स की 60% इक्विवेलेंस होना चाहिए, और अगर बीबीए और बीएस की बात करेंगे तो 50% और 55% की एलिजिबिलिटी वहां पर मौजूद है। सीएस की बेस्ट यूनिट क्या है कराची के लिए? तो हमारे पास एनईडी, फास्ट, आईबीएससीएस, कराची यूनिवर्सिटी, केयू, यूबीआईटी, ये बेहतर इदारे। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जॉब्स का क्राइटेरिया क्या है? तो ये जॉब्स के क्राइटेरिया तो देखें, अगर आप किसी फील्ड में बेहतर होंगे तो आप कम डिमांड के अंदर भी आपकी डिमांड ज्यादा होगी, तो इसीलिए आज हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ताकि ये काम आपके लिए आसान हो जाए और आप एक बेहतर अंदाज में ये काम कर सकें कि अपनी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन एक अच्छी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करने, ऐसा ना हो कि आपने किसी के कहने पर और रिसर्च नहीं की और बस जो दिल में आया या जो रास्ता मिला उस पर चल पड़े। बहुत आराम से सोच समझ कर अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करें तो इंशाल्लाह फिर आगे के रास्ते भी आसान होंगे। नहीं हबीब में बीबीए नहीं होता, हबीब इज प्योरली लिबरल आर्ट्स एंड सम वॉट ऑफ इंजीनियरिंग जिसमें सीएस उनका पोर्शन है, तो वो कराती है। सैट वन लम्स के लिए यस कंपलसरी है, लेकिन कोई कोर्स डिफाइंड नहीं है, मतलब कोई स्कोर डिफाइंड नहीं है, इट वेरीज विद योर जो आपके ओ लेवल के ग्रेड्स और ये सब चीजें। जर्नलिज्म का कोई सवाल था निकल गया, इसके लिए जर्नलिज्म का जो कोर्स है वो मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, बीएससी इन मास कम्युनिकेशन। तो कराची यूनिवर्सिटी के नवंबर में अक्टूबर में एडमिशन इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस वक्त जो है वो ये डिमांड्स में है और आगे भी यही नजर आता है, तो जरूर अप्लाई करें, लेकिन यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा बहरिया यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया और डेट्स, तो बहरिया यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया तो बहुत सिंपल है, वही वाली बात है, 60% होनी चाहिए चीजें आपकी, लेकिन उनके जो डेट्स है वो अभी कंफर्म नहीं है। ये सारे टेस्ट जुलाई में होते थे,
जुलाई में या फिर अर्ली अगस्त में, अगस्त तक तो नहीं भी जाते थे, लेकिन अब ये सारे टेस्ट थोड़े से मूव ऑन होंगे। बीएस और बीई में क्या फर्क है? देखो, अगर बीएस और बीई दोनों इंजीनियरिंग के लिए है और दोनों ही डिग्री पीसी से रिकॉग्नाइज्ड है तो देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर आप दोनों डिग्री पीसी से रिकॉग्नाइज लेते हैं। लेकिन जहां पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है कि बीएस कराते हैं लेकिन वो पीसी से रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो वो सिंपल बीएस है, वो फिर बीई नहीं हो सकता, यानी वो इंजीनियरिंग की डिग्री काउंट नहीं हो सकती। तो एक पीसी वाली जो लाइसेंस है ना, वो लाइसेंस आपको अगर बीएस में मिल रहा है या बीई में मिल रहा है, जैसे नस तो बीएस की डिग्री देता है और वो पीसी से एफिलिएटेड भी है, एलईडी बीई की देता है वो भी पीसी से एफिलिएटेड है, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई बीएस देता है लेकिन पीसी से एफिलिएटेड नहीं है तो फिर डिफरेंस होगा। जी बिल्कुल, केएसबीएल ऑनलाइन टेस्ट ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है केएसबीएल। जैसे बाहर मुल्कों में जीमैट और जीआरई के थोड़े सिलसिले हैं, केएसबीएल क्या कर रहा है, केएसबीएल एक टाइम पे एक मॉडरेटर रखता है और चार लोगों को उनकी स्क्रीन पे ले आता है और आप अपना टेस्ट शुरू कर देते हो। आप टेस्ट के दौरान अपना वेबकैम बंद नहीं कर सकते, अपना माइक बंद नहीं कर सकते, एंड यू नीड टू बी वेरी एक्टिव। अगर आपने अपना माइक या कैमरा एक दफा भी बंद करा तो आपको वार्निंग आ जाती है, और वो फिर वार्निंग आपकी द ड्यूरेशन यू हैव लेफ्ट उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से होती है। फरजाना, नम्स के टेस्ट की डिटेल्स में दो तीन दफा बता चुका हूं, लेकिन फिर बताता हूं कि नम्स का टेस्ट 1 सितंबर को अनाउंस है, इंशाल्लाह वो टेस्ट होगा। और उस टेस्ट पर फिर आपको मुख्तलिफ जो उनके कॉलेजेस एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसके अंदर एडमिशन मिल सकता है। IEEE का क्या स्कोर? IEEE वाहिद यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कराती है, तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि उसकी डिमांड होगी। मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं और 50 स्टूडेंट्स लेते हैं वो, और सिर्फ कराची से उसमें 7 होते हैं, ओवरऑल सिंध से 11 स्टूडेंट होते हैं, तो बहुत कम स्टूडेंट्स के चांसेस होते हैं, लेकिन आपको अप्लाई करना चाहिए उसमें भी। अच्छा, सीबीएम जो है वो जो सीबीएम है वो हम क्या सवाल था कि वो टेस्ट कैसे लेगी, तो वही वाली बात है, टेस्ट उसने बोला हुआ है टेस्ट लेना है उसने, अगर टेस्ट नहीं हुआ तो 2 से 3 मिनट की वीडियो का हमें वो बता देगी, मतलब कि हमें एक क्वेश्चन दे देगी और हमें उस पर जनरल बात करनी होगी। बिल्कुल, इक्विवेलेंसी की जरूरत होगी डीएचएस में एडमिशन के लिए, ओ लेवल्स की भी और ए लेवल्स की भी दोनों की जरूरत होगी। सर, केएमडीसी का टेस्ट? तो केएमडीसी का टेस्ट अलहदा से नहीं होता, तमाम सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक ही टेस्ट होता है जो कि इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में होगा। मैकाट्रॉनिक्स जो है वो मास दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे यहाँ कराची में एलईडी मैकाट्रॉनिक्स करा रहा है, ज़ेबिस्ट भी करा रहा है। बेस्ट अगर आपने करना है तो फिर कराची से बाहर जाना होगा, जो कि आपका नस्ट की कैंपस है रावलपिंडी में, सीईएमई कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वहां से आप कर सकते हैं। सीबीएम में बीबीए नहीं लिखते हो, वो बीबीए ऑनर्स 4 ईयर लिखते हैं, तो अगर आपको सीबीएम के फॉर्म में बीबीए ऑनर्स लिखा है तो घबराइएगा नहीं, वो बीबीए ही होता है जो आईबीए वाला बीबीए। गैप ईयर स्टूडेंट्स के लिए एलईडी की पॉलिसी बिल्कुल डिफाइन है, 2% आपका कम हो जाएगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। बेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड कंसीडरिंग सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान? देखो, अब इसके इसमें तो आपका सबसे पहले ना ज्यादा वेटेज होती है आपके इंटरेस्ट की। बाद लोग जो है वो अपने इंटरेस्ट से हटके अगर मैकेनिकल भी करते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा नजर आ रही होती है, लेकिन वो अच्छा एक्सेल नहीं कर पाते उसके अंदर, तो अपने इंटरेस्ट को भी आप सामने रखें। इंटरेस्ट की भी 2-3 चीजों पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक इंटरेस्ट होता है जिसमें आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, वो आपका इंटरेस्ट होता है। कोई चीज आपको आसान लग रही हो, वो आपका इंटरेस्ट होता है। फिर किसी चीज को आपने देखा हो कहीं पर कि वो जो है उसमें चार्मिंग आपको ज्यादा लग रही हो, तो फिर आपका इंटरेस्ट बनता है। बहुत सारी चीजों को साथ रखते हुए, सामने रखते हुए फिर आप फैसला करें। और हर फील्ड की डिमांड होती है, लेकिन आपके आपकी इस वक्त एक्सेलेंसी की जरूरत है। आप जिस फील्ड में एक्सेलेंट होंगे इंशाल्लाह वो फिर उसमें आपको मायूसी नहीं होगी। 2% वाली बात आई है। अगर एलईडी में गैप ईयर वाला बच्चा एडमिशन लेने इस साल जा रहा है, लाइक लास्ट ईयर भी उसने अप्लाई किया था, इस साल भी अप्लाई कर रहा है, तो उसका 2% डिटेक्ट होगा, फिर उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। माय परसेंटेज फर्स्ट 76 and 87 नहीं, वो हाँ यार क्या है, चांसेस है, चांसेस है, आपके बिल्कुल चांसेस है। 76% आपका इंटर में, 87 अगर आपका मैट्रिक में है तो आप अप्लाई जरूर करें। आईएसटी में दोनों में चांसेस है, क्योंकि इनका जो मेरिट बनता था टेस्ट के वक्त तो वो तो 78 बनता था, इस दफा टेस्ट नहीं है तो देखें क्या होता है कि मेरिट कहां तक गया, थोड़ा सा शूट करेगा लेकिन इनके चांसेस। आउट ऑफ कराची क्वेश्चन है,
इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मेडिकल यूनिवर्सिटी वाकेंट है और सीएमएच है जहां पर आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको नम्स का टेस्ट देना होगा। नम्स का टेस्ट दिया, नम्स के टेस्ट में इसके अलावा भी 3-4 यूनिवर्सिटीज आपको नम्स से एफिलियेटेड इदारे मिल जाएंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए। वाकेंट और सीएमएच तो बेहतर कॉलेजेस है। अच्छा, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हो रही है कि बिजनेस यूनिवर्सिटीज का, तो भाई जिसने आईबी की तैयारी कर ली उसने पूरे पाकिस्तान की जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटीज हैं, सीबीएम, जावेस्ट, इकरा, भैरिया, माजू, एलएससी जो कि लाहौर में है, लंदन बोल रहा था, तो उन सब की तैयारी के लिए इट इज मोर देन इनफ, मतलब मोर देन इनफ है। एनईडी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। एनईडी क्राइटेरिया बिल्कुल बहुत क्लियर हो चुका है। 50% जो है वो आपका इंटर है और 50% टेस्ट है। तो जो भी परसेंटेज आपकी फर्स्ट ईयर में थी, क्योंकि अब आप उसको प्रमोट करके सेकंड ईयर में लेके चले गए, तो वो आपका उसमें से 50% होगा। लेट्स सपोज आपकी परसेंटेज अगर 80 है तो 80 का 40 मार्क्स आपको मिल गया, और अब आपने टेस्ट देना है। 100 मार्क्स का टेस्ट है और उसमें अगर आप 80 स्कोर कर लेते हैं तो 40 आपका यहां से ऐड हो जाएगा, तो 40 प्लस 40 इट बिकम्स 80। तो आपका मेरिट लिस्ट में 80 के ऊपर जहां पर भी आप अप्लाई करेंगे तो उस फील्ड में आप ले सकते हैं एडमिशन। अच्छा, आईबीए जो होता है वो पिछले सालों में जैसे सारी जिंदगी होता है वो आपकी परसेंटेज की वेटेज नहीं होती, मतलब परसेंटेज जो है वो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है। 60% आ गई आप बीएस प्रोग्राम के लिए एक्टिव हो गए, 65% आ गई आप बीबीए के लिए हो गए। इस साल पहली बात तो ये है कि ये परसेंटेज 60% पर आ गई है, नंबर वन। नंबर टू, अगर टेस्ट होता है तो अगर आपकी 99% भी है वो किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर टेस्ट नहीं होता तो फिर यस दिस कैन मैटर, लेकिन वो सब क्या है तो वो हम आईबीए का वेट कर रहे हैं, जब तक आईबीए बताएगा उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। बीयूएचएस की पॉलिसी को अलग से नहीं है, सिर्फ की तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटी की पॉलिसी जो है वो एक ही है, और उसका एनटीएस का टेस्ट होगा अक्टूबर नवंबर में इंशाल्लाह टेस्ट होगा। एकीयू के अंदर एक स्टूडेंट का सवाल था कि एकीयू में मैथ्स रीजनिंग और साइंस रीजनिंग का कोई सिलेबस, इसकी कोई सिलेबस आउटलाइन नहीं है। एकीयू में जो साइंस रीजनिंग होता है वो हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की डेली रूटीन की जो चीजें होती है उसके हवाले से वो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होते हैं उसके। इसी तरह मैथ्स रीजनिंग के जो जनरल मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन साइंस रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आपके पास इस टेस्ट में होंगे, एक्यू के टेस्ट में। अच्छा, अगर आपकी 60% है तो आप आईबीए में, सीबीएम में, जावेस्ट में हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ऑल यू नीड इज 60%। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटर। गर्ल्स के लिए फील्ड कौन सी है? अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की आप बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गर्ल्स के लिए टेक्सटाइल है, आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सीएस है, आईटी है, ठीक है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये तमाम गर्ल्स के लिए अच्छी फील्ड है। अच्छा, आईबीए की पॉलिसी फॉर एमबीए। अच्छा जी, तो टेस्ट नहीं हो रहा, सिंपल, आईबीए ने बोला आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट एसओपी सबमिट करें, आप अपने ग्रेड सबमिट करें, बेसिकली फॉर्म में जितनी रिक्वायरमेंट है सारी भर दें, और फिर आप वेट करें कि आप उनके जो क्राइटेरिया है, उन्होंने जो फिल्टर लगाया है उसके अंदर आप शॉर्टलिस्ट होते नहीं होते। अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो फिर आपके रेगुलर इंटरव्यूज होंगे जैसे हर साल होते हैं, और अगर ऐसी ही COVID-19 की सिचुएशन रहती है, अल्लाह ना करे, तो फिर वो इंटरव्यूज भी ऑनलाइन होंगे, लेकिन वो बात की बात है। 3% इंक्रीज होने के बाद ही बिल्कुल आपका मेरिट बनेगा। आपकी जो 3% आपको दी जा रही है, प्रमोट किया जा रहा है, वो 3% आपकी इंटर में ऐड हो जाएगी, उसके बाद ही मेरिट बनेगा, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज का हो या मेडिकल का हो। Yes, दैया, बिल्कुल ले सकते हैं, 65% आप अप्लाई कर सकते हैं। एनईडी का एनटीएस का होगा, एनईडी का एनटीएस नहीं, एनईडी का टेस्ट होता है, और वो अब बता दिया गया उसकी डेट अनाउंस हो गई, 18 अगस्त को वो टेस्ट है और वो 10 दिन टेस्ट चलता रहेगा। बदनाम जी, बीडीएस का सवाल है। BDS देखिए, अगर आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले बच्चे की ख्वाहिश होती है, इंटरेस्ट होता है कि वो MBBS करे, फिर उसके बाद आता है BDS। तमाम जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज है जहाँ MBBS हो रहा है वहाँ BDS भी ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद होता है फॉर्म डी भी ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद हर यूनिवर्सिटीज ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में बच्चे को BS कराना शुरू किया है, जिसमें BS इन नर्सिंग है, BS इन बायोसाइंसेस है, बायोटेक्नोलॉजी है, BS इन साइकोलॉजी है। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट के पास अब ये सहूलत आ गई है। एक और चीज जो HEC ने इस दफा मेडिकल के स्टूडेंट के लिए आसानी पैदा की है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मेडिकल का स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, आबिद हुसैन, आप अपना सवाल दोबारा पूछ लें, हमसे मिस हो गया, बहुत सारे सवाल हैं, तो आपने वो बोला है कि मेरे जवाब दे दे, सवाल दोबारा पूछ लें। विल एमकैट हैपन दिस ईयर?
इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। देखिए एनईडी ने जिस तरह से क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है कि टेस्ट ऑनलाइन हो सकता है और मुख्तलिफ शिफ्ट में हो सकता है, तो एमकेट भी एनईडी में ही होता था। सिंध का जो एनटीएस का एमकेट का टेस्ट है वो एनईडी में ही होता था और 9 से 10 हजार बच्चा टेस्ट देता था। अब ये भी ऐसे ही होगा कि उसको वो डिवाइड करेंगे 10 दिन के अंदर, डिवाइड करके मुख्तलिफ शिफ्ट के अंदर आप एनईडी में जाकर ऑनलाइन टेस्ट देंगे। 16 years of education पूरी करनी होती है IBA MBA में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने BCom किया हुआ है आप एलिजिबल नहीं है, अगर आपने सिर्फ ACC किया और एफिलेट नहीं है आप तो भी आप एलिजिबल नहीं है। यस, लेकिन आप CBAMS एबेस के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। कॉमसेट में NTS की बेस पर एडमिशन होते थे, मैंने शुरू में भी बताया, किसी ने सवाल किया था तो उस वक्त मैंने बताया था कि ISP और कॉमसेट NTS की बेस पे एडमिशन देता था। अब जितने भी NTS की बेस पर एडमिशन देने वाले इदारे थे वो अब मेरिट क्राइटेरिया पे आ गए, मतलब एकेडमी जो भी होगा आपका A-levels या O-levels या इंटर या मैट्रिक उसको 60% or 40% लेकर आपका मेरिट क्राइटेरिया पर आ जाएगा। नहीं था CBAMS एबेस के टेस्ट में कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड नहीं होता जी। एलईडी की स्टिल वर्थ है इसके, इसमें भी थोड़ा सा मैं कमेंट कर देता हूँ कि देखें एलईडी में आज भी कराची का जो पोजीशन होल्डर है या कराची का जो क्रीम होता है लाइक A+ स्टूडेंट जो है वो तमाम एनईडी में ही जाना चाहता है और जाता भी है। तो इस लिहाज से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एनईडी में आज भी जो है वो जान मौजूद है और आपको एनईडी में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, मेरिट बेस्ड यूएसटी है, मेरिट पर स्टूडेंट जाता है तो वहां का जो एक ओवरऑल चीजें निकलती है, परसेप्शन बनता है, एनवायरमेंट बनता है, वो बेहतर एनवायरमेंट होता है। अगर आप नस्ट से कंपेयर करें तो नस्ट इस्लामाबाद और इसमें फर्क महसूस होता है, लेकिन नस्ट कराची और नस्ट एनईडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये वीडियो सेव होगी, डेफिनेटली होगी इंशाल्लाह। और दूसरा सवाल ये था कि वीडियो के सवाल क्या होंगे, तो CBAMS की वीडियो के सवाल वो वेट करें इंशाल्लाह, थोड़े दिनों में आई एम एक्सपेक्टिंग 1-1.5 हफ्ते में वो हमें वीडियो का कॉन्सेप्ट दे देंगे कि हमें वीडियो में क्या बात करनी है। एनईडी के अंदर लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की बात की थी किसी ने, तो इंग्लिश लिटरेचर नहीं, इंग्लिश लिंग्विस्टिक का कोर्स है जो कि BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक करा रहा है, वो 4 साल का कोर्स है। तो एक ये है, एक BS मैथमेटिक्स है, एक BS फिजिक्स है, एक BS कंप्यूटेशनल फाइनेंस है। तो ये कोर्सेज हैं जो एनईडी में इंजीनियरिंग के अलावा भी अब हैं और वो कम परसेंटेजेस पे भी वहां बच्चा जा सकता है। नहीं, इंटर का कोर्स बिल्कुल भी 60 के लिए इनफ नहीं है। इंटर क्या, मैं तो बोलता हूँ A-levels का कोर्स भी इनफ नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि 60 इज मेनली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सब्जेक्ट्स, तो उसमें आपने आपकी इंग्लिश जो है उसमें ग्रामर और RC तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल दिस इज नॉट एम्पल इनफ। फास्ट में बिल्कुल आप जा सकते हैं, फास्ट में आप जो है CS के लिए, फास्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बिल्कुल आप जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपने पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एनईडी जाए या दाऊद जाए, उसके बाद फास्ट के ऊपर शुरू करें, वरना CS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप फास्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ज्यादा में CS बिल्कुल है और उसका क्राइटेरिया हम बिल्कुल बता चुके हैं। अच्छा, अगर किसी के सवाल का जवाब हमसे रह जाए या मिस हो जाए, तो पहली बात तो ये वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह, दूसरी बात ये हमारा इनबॉक्स है, आप इनबॉक्स में जरूर सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सून सारे जवाब के जवाब मिल जाएंगे जिनके सवाल रह जाए। सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो आप सेकंड ईयर का रिजल्ट तो आएगा भी नहीं, वो तो आ चुका है इसमें, तो आप आपके जो था जो फर्स्ट ईयर का था वही सेकंड ईयर है, उसमें 3% ऐड कर ले आप। बायोटेक्नोलॉजी बेस्ट यूएसटी कौन सी है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए नस्ट बेस्ट यूएसटी है। एक सवाल इसी तरह का एक मेडिकल के स्टूडेंट ने पूछा था कि BS बायोटेक्नोलॉजी BS फिजिक्स हम कर सकते हैं, मेडिकल वाले बिल्कुल कर सकते हैं, मेडिकल वाले BS फिजिक्स कर सकते हैं, BS केमिस्ट्री कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वो। नस्ट CS का क्राइटेरिया क्या है, तो अगर नस्ट आप BS CS की बात कर रहे हैं तो सेम क्राइटेरिया है जो इनके इंजीनियरिंग का है, 60% होनी चाहिए आपकी और उस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट देना होगा आपको, टेस्ट 75% नस्ट पे कंसीडर होता है, 15% इंटर और 11% मैट्रिक। फास्ट का CS बेटर है, IBA का CS बेटर है, हम दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपने हार्ड कोर CS की तरफ निकलना है, आपने उसमें अपना आपको एक्सेल कराना है। ऑन द अदर हैंड IBA जो है वो थोड़ा सा एक कंप्लीट पैकेज दे देता है, थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम कर लेता है, दोनों की अपनी 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 वेटेज है। NAD का टेस्ट का लेवल कैसा होगा इस दफा, जो अंदाजा है वो ये है कि मुश्किल होगा क्योंकि इस दफा टेस्ट की वेटेज ज्यादा है। बाकी जो हमारे पास पिछले सालों को देखें तो पिछले सालों में 10 नंबर लास्ट ईयर ऐड किए थे, उससे पिछले साल में टेस्ट के मार्क्स ऐड ही नहीं होते थे, तो टेस्ट से फॉर्मेलिटी के तौर पर लिया जाता था, लेकिन इस दफा टेस्ट जो है वो लाजमी आपको
थोड़ा टफ मिलने वाला है। लिखा था ना, लिखा था। अच्छा जी, सेल्फ फाइनेंस, अदनान भाई सेल्फ फाइनेंस सीट्स इन एनडी। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस की तीन कैटेगरी है, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली कैटेगरी है जिसके अंदर बीएस के प्रोग्राम्स होते हैं, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम नहीं होते। लास्ट ईयर की कॉस्ट 575 थी, 575,000, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है एसएफ 2, सेल्फ फाइनेंस 2, उसके अंदर इंजीनियरिंग की फील्ड्स होती है लेकिन सीट्स कम होती है, मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर की सीट जो है वो उसमें कम होंगी। और तीसरी कैटेगरी है, अच्छा इसकी कॉस्ट थी 775,000। तीसरी कैटेगरी है स्पॉन्सर की, वो थी 975,000, उसमें बीएस केमिकल, बीएस सॉफ्टवेयर, बीएस मैकेनिकल और बीएस इलेक्ट्रिकल, इन चार की 50-50 सीट्स थी। और इस दफा भी ऐसे ही सीट्स होंगी, तो वो बच्चे जिनकी जिनका एग्रीगेट कम बने तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 62-63 एग्रीगेट पर भी आपका एडमिशन पॉसिबल होता है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर और केमिकल में आप एडमिशन के लेने के अहल हो जाते हैं। और ये जो आपका पैकेज होता है 775,000, 975,000 और 575,000, ये उस सेमेस्टर फीस से डिफरेंट होता है। प्लस ये कि जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो पे ऑर्डर आपने उसी वक्त पे करना है, ये वंस पे करना होता है, हर साल इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड करके पे नहीं कर सकते। तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल बता दिया आपको। हम ऑब्वियसली इसमें ना हम जो बात करने बैठे हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करने बैठे हैं, तो अगर कोई चीज अभी तक डिसाइडेड नहीं है, कोई चीज अभी तक किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जब बात नहीं आई है, तो हम उस पर ऑब्वियसली अपना अजम्पशन नहीं दे सकते कि आईबी का टेस्ट ऑनलाइन होगा। आईबी ने नहीं बोला, अगर आईबी बोल देगा तो बिल्कुल हो जाएगा ऑनलाइन। तो वही वाली बात है, आप अपनी तैयारी पूरी रखें, तैयारी नहीं छोड़नी है आपने। आपने अगर तैयारी छोड़ दी ना तो फिर अल्लाह ने करे बाद में रिग्रेट्स होती हैं। तो अपनी तैयारी पूरी रखें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें। इंशाल्लाह टेस्ट होगा तो एस करेंगे, नहीं हुआ तो अल्लाह की बेहतरी थी। अगर आपके 60% है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसी है जब 63% थी, 67% थी और उस बच्चे का एडमिशन नस्ट में हुआ। नस्ट एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप उसको एक अच्छे रैंक पर रख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारे मौजूद है, लेकिन उन बच्चों ने फिर मेहनत भी वैसे ही की थी। अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आप डिसहार्ट ना हो, लेकिन फिर मेहनत भी करें, मतलब अभी भी सिर्फ बातें ना हो, काम हो जाए। अगर काम हो जाएगा तो इंशाल्लाह 2-3 महीने आपके पास है, उसमें आप अपना रिवीजन अच्छा कर लें, अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लें। तो आप जहां जहां टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन है, जैसे अब तो एनईडी में भी 50% टेस्ट है, इसी तरह नस्ट में 75% टेस्ट है, इसी तरह ब्यास में 60% टेस्ट है, तो जहां टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन है वहां टेस्ट दें, इंशाल्लाह आपका एडमिशन पॉसिबल होगा। अच्छा, ये हसनैन का, आबिद हुसैन का सवाल जितना मुझे नजर आया था वो यही था कि टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू तो डेफिनेटली होगा, टेस्ट होगा नहीं होगा वो आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक सवाल और था कि बीबीए और सीएस का टेस्ट के जो फॉर्म्स है वो अलग अलग भरने, डेफिनेटली अलग भरने। आईबीए का बीबीए के साथ आप एसीएफ, बीएस इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स एसएसएलए, आप इन चार का फॉर्म एक साथ भरते हो, और सीएस और इकोनॉमिक्स एंड मैथ का फॉर्म आप अलग भरते हो। तो ये दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। एनईडी के टेस्ट क्या ये कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो बात नहीं रही। उन्होंने इवन ये भी बता दिया है कि अब वो टेस्ट कैसे लिखे, ठीक है। टेस्ट की डेट क्या है ये तो पहले ही अनाउंस हो गई थी कि अगस्त के सेकंड वीक में होगा, लेकिन अब तो ये भी क्लियर हो गया है कि रूटीन क्या होगी, मेथड क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से वो टेस्ट कंडक्ट होगा। तो अब टेस्ट होगा, अब टेस्ट ना होने के कोई चांसेस नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर। और टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो भी बढ़ेगा। तो कोशिश करें, अपनी मेहनत करते रहें, वरना ऐसा ना हो कि परसेंटेज अच्छी रखने के बावजूद आपका एडमिशन इस वजह से रह जाए क्योंकि आपने टेस्ट की तैयारी नहीं की या आपने टेस्ट को बहुत हल्का लिया। अच्छा मिनाहिल, आपके पास अकाउंट्स बीएस एंड उर्दू है, और अगर आपके पास तीनों में मिनिमम 20 है तो फिर आप पाकिस्तान में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, सही है, आप कोई मसला नहीं है। अच्छा सीबीएम उर्दू, अच्छा ये बड़ा डिस्क्रिपेंसी है, सीबीएम उर्दू एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि सीबीएम उर्दू एक्सेप्ट नहीं करता तो सीबीएम बोलता है कि आपको सिर्फ दो सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेड सबमिट करने, तो वो वे ऑफ हो जाता है। टेस्ट क्राइटेरिया एनईडी का दोबारा बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। 25 क्वेश्चन आपके पास मैथ्स के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के और इंग्लिश के, 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, कैलकुलेटर सिंपल साइंटिफिक अलाउ होता है, ठीक है, डिजिटल डायरी अलाउ नहीं होती। अच्छा इंटरव्यूज की बात हो रही है, तो इंटरव्यूज पे इंशाल्लाह मैं टीम से जरूर बोलूंगा कि हम इंशाल्लाह इंटरव्यूज का सेशन दोबारा रखें, लेकिन एज ऑफ नाउ पहले टेस्ट तो देते हैं सर।
टेस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए सवाल है कि गर्ल्स क्या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकती है? रिसालपुर सीएई कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से नहीं कर सकती, नस्ट में वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। बिल्कुल क्लियर है, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि आप तो नस्ट में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, और रिपीट होना शुरू हो गए सवाल सारे तकरीबन हो गए। बी एस इकोनॉमिक्स एलईडी में हो रहा है, बी एस इकोनॉमिक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सर टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ? बिल्कुल है, यहाँ पर नस्ट में अलाउ नहीं होता लेकिन एलईडी में अलाउ होता है। यस, मैंने फातिमा आपको जवाब दिया था कि दोनों पर्सनल स्टेटमेंट बिल्कुल अलग अलग लिखनी होंगी, बीबीए के साथ अपनी पर्सनल स्टेटमेंट आपने अलग लिखनी होगी और सी एस की पर्सनल स्टेटमेंट आपने अलग लिखनी होगी, क्योंकि बेसिकली दोनों प्रोग्राम्स अलग हैं तो दोनों की बात आपने बिल्कुल ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करनी होगी ना। एमकेट का टेस्ट पैटर्न 80 क्वेश्चन बायोलॉजी, 60 केमिस्ट्री, 40 फिजिक्स और 20 इंग्लिश। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग लास्ट ईयर खत्म कर दी गई थी, होपफुली ऐसे ही रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और विदाउट कैलकुलेटर होगा। तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये बड़ी मसले वाली बात आ जाती है जहां पर कैलकुलेटर उनसे छीन लिया जाए तो फिर वो माजूर हो जाते हैं और वो कैलकुलेशन में बहुत कमजोर रहते हैं। तो इसके लिए मेरी गाइडलाइंस या मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप भी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करें और प्रैक्टिस ज्यादा करें ताकि आपकी जो न्यूमेरिकल वाली चीज है ना वो भी अच्छी हो जाए। अच्छा दानदी, मैं सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा सा टेस्ट पैटर्न पर बात करते हैं और इसको रैप करते हैं। तो अगर मैं आईबी की बात करूँ, सिर्फ इंग्लिश और मैथ आती है, पिछले सालों को देखते हुए 45 क्वेश्चंस इन मैथ, 45 क्वेश्चंस इन इंग्लिश। सीबीएम की अगर मैं बात करूं तो सीबीएम में 6 सेक्शंस होते हैं जो कि इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज और सीरीज में डिवाइडेड होते हैं। इसी तरह अगर मैं ज़ैबिस की बात करूं तो ज़ैबिस का जो टेस्ट है वो सीबीएम के टेस्ट का थोड़ा कंसाइज वर्जन होता है, बस ये फर्क है। तो ये तीन टॉप थ्री की बात करूं अगर मैं तो ये इस तरह डिवाइडेड होता है। आप एमकेट ईकेट ले लें। ईकेट के हवाले से बात करें तो हर यूनिवर्सिटी अपना डिफरेंट टेस्ट लेती है, उसका डिफरेंट पैटर्न होता है। हमारे यहाँ जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वो नस्ट के, फास्ट के और एनईडी के लिए होते हैं। तो नस्ट का क्राइटेरिया 200 क्वेश्चंस का है, 200 में से 80 क्वेश्चन मैथ्स होता है, 60 क्वेश्चन फिजिक्स होता है, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री होता है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश होता है, 10 क्वेश्चन आईक्यू होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। इसके बाद एनईडी की बात करें तो 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री होता है, 25 क्वेश्चन मैथ्स होता है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स होता है, 25 इंग्लिश होता है। फिर फास्ट की बात करें तो फास्ट के अंदर 40% एडवांस मैथ्स होता है, 20% जनरल मैथ्स होता है, 20% फिजिक्स होती है और 20% इंग्लिश होता है। तो मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, मुख्तलिफ पैटर्न है, थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्कस कर लिया। आप लोगों से यही है कि प्रिपरेशन में रहें, प्रिपरेशन करते रहेंगे, चीजें मालूम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी और इस चीज को जल्दी कवर करने की कोशिश करें। अब टाइम नहीं है, अब अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अभी एक महीना और गुजर जाए तो क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर हम कर लेंगे, तो बेटा ये बेचारा रिपीटर्स का बता दें जिन्होंने पिछले साल तो नहीं कटे थे 2%। हाँ, इस पिछले साल की जो पीएमडीसी की पॉलिसी थी वो डिफरेंट थी और इस साल उन्होंने अभी जो अनाउंस की है उसके मुताबिक उन्होंने दोबारा ये पॉलिसी को रिवाइज किया। पिछले साल 70% एलिजिबिलिटी थी, अभी दोबारा उन्होंने क्या कर दिया, 60% कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इस साल ये आपके डिडक्ट होंगे। सर अदनान, मुझे एम्बियोनिक्स में अप्लाई करना है, मेरी 69 है। बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल आप एम्बियोनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप आईएसटी में भी अप्लाई करें और इसके लिए नस्ट में भी अप्लाई करें। ज़ैबिस में उर्दू का ग्रेड काउंट होता है, बिल्कुल काउंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न बता दूं, इंजीनियरिंग की बात हो गई, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एकीयू की जहां आप बात करें तो 20 क्वेश्चंस आपके पास बायोलॉजी के, 20 क्वेश्चंस आपके पास केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चंस आपके पास फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन साइंस रीजनिंग के, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है वहां पर। इसी तरीके से अच्छा, एकीयू में टेस्ट एक अलग चीज है, इंटरव्यू एक अलग चीज है, बाकी तमाम मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू की वैल्यू नहीं है, मतलब वो लेते भी नहीं है और अगर लेते हैं तो बहुत मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है उनकी। लेकिन एकीयू में वाकई इंटरव्यू जो है वो एक टेस्ट में और आपके एग्जामिनेशन में वैल्यू रखता है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना कि टेस्ट के साथ साथ फिर आप इंटरव्यू की भी तैयारी करें। दूसरी चीज फिर आ जाए नम्स में, तो नम्स में हमारे पास जो टेस्ट पैटर्न है उसके अंदर बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारे पास एनटीए जो हमारा लास्ट ईयर 200 क्वेश्चंस का हुआ था सिर्फ की मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए, 80 क्वेश्चन बायोलॉजी, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 40 क्वेश्चन फिजिक्स और 20 क्वेश्चन इंग्लिश, ठीक है। तो कोशिश की कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको हम बता दें और बाकी जो यूनिवर्सिटीज की क्यूरीज है, क्वेश्चन है,
वो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, अभी हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, ऑफिस टाइम उसके लिए कर सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए हम जो है वो वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे, अभी क्योंकि टाइम की कमी है जिसकी वजह से यहाँ पर रैप करना है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजॉरिटी चीजें तो कवर हो गई है, बाकी इंशाल्लाह एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिला है कि लोग बिल्कुल अनसर्टेन बैठे हुए, तो ये अनसर्टेनिटी तभी खत्म होती है जब आपकी तरफ से कोई एक्शन आता है, तो वो एक्शन आप बिल्कुल ले लें, टेस्ट का वेट मतलब टेस्ट का वेट ना करें, तैयारी शुरू करें, तैयारी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं उन्हें भी चाहूंगा कि एक चीज में अपनी जो हमारी क्लासेस हो रही है ना उसके बारे में जरूर आप लोगों को बता दूं कि ये क्लासेस अगर आप लेते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जो क्लास में बैठकर पढ़ने में और ये ऑनलाइन पढ़ने में आपको फर्क महसूस नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बस करना था ऐसा कि 10 साल पहले से ये क्लासेस हम कर रहे हैं, हम इसमें मतलब पहले से ही ये क्लासेस जो है ऑनलाइन क्लासेस 10 साल पहले से हम ये काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर अभी भी जो हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है, जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाई हैं और वो चीजों को समझ रहे हैं, हमारा क्वेश्चंस करने का तरीका जब बच्चा क्वेश्चन करना चाहे तो उसी वक्त क्वेश्चन करता है, हम उसको उसी वक्त आंसर करते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो रिकॉर्ड करके हम लेक्चर दे दें बच्चा क्वेश्चन बाद में हमें लिख के दे दे या डिले हो जाए वो चीज, नहीं हमारे एक तो लेक्चर बिल्कुल लाइव हो रहा है, क्लासेस लाइव भी हो रही है, उसके अंदर जब क्वेश्चंस होते हैं तो टीचर उसको आंसर भी फौरन ही करता है, फिर उसके बाद जब ये क्लासेस हो रही है तो अब हमारे पास जो टेस्ट कंडक्ट करने का तरीका है उसको भी हमने उसी तरीके से मजबूत बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह जो कि क्लासेस में लेते थे। इंशाल्लाह अब इस मंथ से जो बच्चे लास्ट मंथ एडमिशन लिया था इन्होंने उनका कोर्स भी काफी हद तक कंप्लीट किया हमने और अब इस मंथ से उनका प्रॉपर टेस्ट भी कंडक्ट होंगे और वो भी हम ऑनलाइन ही कंडक्ट करेंगे, उसकी स्कोरिंग भी करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन भी लास्ट भी करेंगे, तो कोशिश पूरी है कि ये COVID-19 का असर जो है वो आपके एडमिशन पे ना पड़े क्योंकि ये तो एक साल या दो साल डेढ़ साल में चला जाएगा, आपका जो एडमिशन है अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर वो इस दफा नहीं हुआ तो फिर वो पूरी जिंदगी के लिए हो गया, पूरी जिंदगी के लिए दुख हो गया एक तरह का, यार मेरा डाउन एडमिशन हो सकता था क्योंकि मेरी परसेंटेज 87 थी, सिर्फ टेस्ट खराब हो गया और टेस्ट इसलिए खराब हो गया कि मुझे कोई अच्छा इदारा नहीं मिला जहां जाके मैं प्रिपरेशन कर लेती या कर लेता, तो अब इस चीज को आप लोगों ने खुद थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, थोड़ी मेहनत ज्यादा है किस हवाले से कि जब आपको कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है ना तो आपने सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, टीचर तो पढ़ा रहा है, टीचर सब कुछ गाइडलाइंस भी दे रहा है, मेहनत भी कर रहा है, ठीक है, और अगर नहीं भी करना तो आप उसके साथ उससे मेहनत करवा सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चीजें आप उससे ले सकते हैं, तो कोशिश करें अपनी मेहनत पर भरोसा भी रखें इंशाल्लाह। ब्रैग करने वाली बात नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 महीने कमेंट्स देखे हैं जो कि हमारे करंट स्टूडेंट्स हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फाइड है, ऑब्वियसली ग्लिचेस होते हैं, चीजें होती हैं और ये कोई ओवर स्टेटमेंट है कि हम मतलब हम परफेक्ट काम कर रहे हैं, इम्पॉसिबल सी बात है, ये एक ओवर स्टेटमेंट है, लेकिन ये वाली बात है अपना काम पूरा करे बंदा, अपनी चीजें पूरी रखे, अल्लाह पे भरोसा रखे, चीजें चल रही हैं। मैंने वही कहा ना कि हमारी कोशिश है, मतलब हम अगर ये कोशिश नहीं करें तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि ये भी प्रिपरेशन नहीं कर पाए जो इसको वो प्रिपरेशन करना है, तो कोशिश हम अच्छा कर रहे हैं, तीन अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बेहतर हो जाए, इसको एंड करते हैं दानदाई, बस तीन काम करने हैं आपने, अपना भी आप ऐड कर दीजिएगा, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने भाई तैयारी शुरू करनी है, आप जैसे तैसे आप तैयारी शुरू कर दें, आपकी चीजें ऑन पॉइंट होनी चाहिए। दूसरा काम आपने ये करना है कि हमारे पेज पे ना बहुत सारी चीजें आती हैं, आए दिन कोई पॉलिसी, हमारे काउंसलर्स रेडी होते हैं कि कोई भी पॉलिसी आए तो हम उसको ऑब्वियसली लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा काम आपने करना है कि पेज लाइक करना है और तीसरा काम आपने ये करना है, इसमें आपका भला है, आपने भाई सवाल पूछना है, मतलब कराची में इतने लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए, ऑब्वियसली हर कोई चीजें करता है, चार्ज करता है, उसकी चीजें होती है, लेकिन ऑब्वियसली आप जब तक आप खुद नहीं पूछेंगे तब तक आपकी चीजें नहीं क्लियर होंगी। एक लास्ट बात है, आज मैंने क्लास में एक अपने आईबी के बैच में एक सवाल पूछा था, सबसे पहले मैंने सवाल पूछा ऑनलाइन क्लास कैसे जा रही है और आपने बिल्कुल ऐसा जवाब देना कि आप ब्रूटल ऑनेस्ट हो, तो मैंने उसमें नंबरिंग कराई तो उसमें 10 में से अदनानी बहुत सारे 9 थे, बहुत सारे 8 थे और कुछ 7 भी थे और एक बंदे ने 5 भी दिया, तो फिर मैंने जंप करा तो मैंने फिर अगला सवाल पूछा, मैंने बोला कि मेरा उनसे सवाल है जिन्होंने 9 से ब्लो दिए, अब जरा मुझे ये रेट कर दो कि तुम अपने आप को क्लास में पार्टिसिपेशन में क्या रेट कर दो, जितना स्कोर हमें दिया गया था उससे 3 स्कोर कम दिया गया, तो वही वाली बात है ना, आपने अपना एफर्ट मारना है। बाकी थैंक यू सो मच अदनान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीजें हो गई, बेस्ट ऑफ लक। सारे क्वेश्चंस हैं इसमें भी मैंने देखे और इंशाल्लाह उसके लिए हम आपको आंसर करेंगे, जिस तरह कमिट किया कि वीडियो के थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह हम वीडियो बना के आपको आंसर करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है, मेनाम साहब ऑफ कर दें, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।